जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आइडिया बिट्स पे। तो साथियों, आज के वीडियो में बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो में देने वाला हूं। आप जैसा कि देख पा रहे हो, मेरे हाथ में ये दो जो है डब्बे हैं। अब ये क्या है इसके बारे में बताऊंगा आप लोग को। बहुत ही यूजफुल ये जो है ऑब्जेक्ट है मेरे हैंड में। इसका यूज प्रायः डीएमसी ट्रेड के लड़के आईडीआई जो कर लिए हैं वो यूज करते हैं इसको, साथ ही साथ जो है कारपेंटरी ट्रेड के बच्चे भी करते हैं, और इसके अलावे वेल्डर ट्रेड के बच्चे भी जो है जो मेटल के कार्यों में यूज करते हैं। ये क्या है, नहीं है, और ये किस तरह से आपको मिल पाएगा, कितने का मिलेगा, दोनों में डिफरेंसेस क्या है, इसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से। तो जैसा कि यहाँ पे आपको मैं दिखाने वाला हूँ, सबसे पहले इस जो हमारे हाथ में जो देख रहे हैं इसका नाम क्या है गाइस, इसका नाम कहलाता है ये लेवल बीम, या फिर बॉक्स बीम, लेवल बीम इसको आप कह सकते हैं। बेसिकली ये होता क्या है, ये जो है सरफेसेस, दैट मीन्स की हॉरिजेंटल सरफेस इक्वली हॉरिजेंटल है या नहीं है वो चीज को ये बताता है, ठीक है। ये इसका काम क्या है कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लिया जाए ये जो सरफेस है बिल्कुल हॉरिजेंटल है या नहीं है ये बताएगा। कैसे बताएगा, इसको सिंपली इसके ऊपर जो है रख दिया जाता है इस तरह से, और रखने के बाद यहाँ के इंडिकेटर है। ऑलराइट, देखिए यहाँ आपको दिखा देता हूँ। देखिए इस जगह ये एक इंडिकेटर है, इसके अंदर जो है वाटर भरा हुआ होता है, इसके इस वाटर के अंदर एक बबल होता है, इस वाटर के अंदर देखिएगा यहाँ एक बबल होता है। ये जो बबल होता है यहाँ दो रिंग्स भी मिलेंगे आपको ब्लैक कलर का, देखिए यहाँ पे अगर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे दो रिंग पट्टी दी गई है, एक रिंग यहाँ है एक रिंग यहाँ। इन दोनों रिंग के बीच में जब ये बबल आ जाएगा, ऑलराइट, यहाँ जब आ जाएगा दैट मीन्स की बिल्कुल हॉरिजेंटल सरफेस है मेरा, ठीक है। अब जैसे बीम वगैरह ढालते हैं जब, उस टाइम में इस लेवलर का काम पड़ता है कि जो मेरा बीम है वो बिल्कुल जो है हॉरिजेंटल है या नहीं है, ठीक है। अब रही बात हॉरिजेंटल के लिए तो समझ में आ गया, ये जो इस तरह का जो है इससे पता करेंगे, लेकिन वर्टिकल को कैसे पता कीजिएगा, वर्टिकल जो है उस वो बिल्कुल परपेंडिकुलर है या नहीं कैसे पता कीजिएगा, उसके लिए इसी को हम लोग इस तरह से कर देंगे खड़ा, और उस केस में भी यहाँ पे ये जो बबल है, ठीक है, ये वाला से चेक करेंगे। जो मान लेते हैं कि ये पिलर है, पिलर को चेक करना है इसको, फॉर एग्जाम्पल हम पिलर मानते हैं, ठीक है, इस ये पिलर टेढ़ा है या फिर सीधा है कैसे पता चलेगा और कितना करना है, तो इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। देख पा रहे होंगे यहाँ पे आप कि जैसे ही ये बबल यहाँ पे इन दोनों सर्कल्स के बीच में आ जाएगा, दोनों रिंग्स के बीच में आएगा, ये हमारा हो जाएगा बिल्कुल 90 डिग्री, ठीक है। तो ये चीजें हैं, आपको वर्टिकल, आपको हॉरिजेंटल, और आपको 45 डिग्री के एंगल में जब पता करना होता है कि बिल्कुल सटीक आया है नहीं आया, उस केस में हम लोग इन लेवलर्स का इस्तेमाल करते हैं। दोनों में क्या डिफरेंसेस है, तो ये जो पहला जो हमारे पास है ये है 12 इंच का, इसकी जो लेंथ की जो साइज है ये है 12 इंच की, और ये जो है हमारे पास ब्लैक एंड डेकर का है, ये स्टैनली का था, ये स्टैनली का है जो कि 12 इंच के का इंच का है, और ये जो है ब्लैक एंड डेकर का ये है हमारे पास 16 इंच का है। सबसे बड़ी खास है कि 16 इंच का, देखिए दोनों के साइजेस में डिफरेंस देखिएगा तो इतना का गैप मिलता है, जितना लंबा है उतना आपके लिए बेहतर है कि नहीं। तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज में क्या देखिएगा, इसमें दिखा देता हूँ, देखिए इससे तो आप जो है इससे आप वर्टिकल मेजर सरफेस को देख सकते हैं, और इसे आप हॉरिजॉन्टल को देख सकते हैं। यहां वाले में देखिए एक एक्स्ट्रा दिया गया है, इसमें आप एंगल में भी चेक कर सकते हैं, जो कि 45 डिग्री एंगल में आपको कहीं रिक्वायरमेंट है उस केस में आप इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लेंथ भी चूंकि इसका बड़ा है इस वजह से ये एक एडवांटेज हो जाता है। प्राइसेस की बात करें तो इसका एमआरपी देखिएगा, इसमें लिखा हुआ है 350 रुपया, अमेजन पे आपको लगभग 350 में ही मिलेगा ये। और अगर बात करेंगे इस ब्लैक एंड डेकर का तो ये भी जो है ये आपको यहाँ पे एमआरपी लगभग 400 रुपया है, और 360 में आपको अमेजन पे मिल जाएगा। तो बेटर है मेरे समझ से यही लीजिए, क्योंकि इसमें 4 इंच एक्स्ट्रा दिया गया है जो कि एक एडवांटेज इसको बना देता है। इसका इस्तेमाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप जब घर वगैरह कंस्ट्रक्शन करते हैं डीएमसी के खासकर लड़के उस टाइम में इसका बहुत ही इसका जबरदस्त सा यूज होता है। तो इसको हम लोग कहते हैं बॉक्स बीम लेवल, ठीक है, लेवलर भी कह देते हैं, ठीक है, बीम लेवलर भी इसको कह सकते हैं आप, ठीक। तो इससे आपको ये चीजें से आप बेहतर ढंग से आप जो है अपना मतलब कि जो भी कंस्ट्रक्शन का कार्य चल रहा है उसको अच्छे से कर सकते हैं। अब वेल्डर या फिर जो है फिटर ट्रेड के बच्चे भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर कहीं सरफेस अगर चेक करना है कि वो बिल्कुल सही है या नहीं है, उस केस में मान लिया जाए कि दो पाइप है, ठीक है, दो पाइप है, उसके ऊपर एक थर्ड पाइप को ऊपर मतलब कि हॉरिजॉन्टल वे में ये करना है, ज्वाइंट करना है, तो कैसे चेक कीजिएगा, इसी को लेवलर का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। हॉरिजॉन्टल देखेंगे बराबर में ये बीच में सेंटर पॉइंट में ये बबल आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो इस तरह से चेक कर सकते हैं। वेल्डर भी जहां मेटल का काम होगा वहां पर इसका यूज आ जाएगा। फिर आपका जो है अगर मैं बात करूं तो फिटर वाले ट्रेड के बच्चों के लिए भी यूजफुल हो जाता है, ठीक है। इस तरह से अलग अलग बहुत सारे ट्रेड्स में इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं।
तो मुझे ये टूल बहुत यूजफुल लगा, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। हालांकि मैंने इसे खुद ही परचेज किया है, कुछ कुछ छोटा छोटा काम पड़ते रहता है इस वजह से। और भी चैनल पे बहुत सारे आप लोग को टूल्स रिलेटेड वीडियो मिल जाएंगे, प्रैक्टिकल्स रिलेटेड वीडियो मिल जाएंगे, डीएमसी ट्रेड के जो है बहुत सारे जो कंस्ट्रक्शन में कहां कहां गलतियां होती हैं उससे रिलेटेड भी बहुत सारा वीडियो अपडेट किया हूँ शॉर्ट्स के माध्यम पे माध्यम से। तो उन सभी को भी आप लोग चेकआउट करते रहिए। वीडियो में टाइम टू टाइम डेली बेसिस पे आपको कुछ ना कुछ बहुत यूजफुल थिंग्स दिए जाते हैं। इवन प्रोजेक्ट वगैरह से रिलेटेड भी आपको बहुत कुछ प्रोवाइड किया जाता है। आईडिया के अपडेट्स तो दिए ही जाते हैं, साथ ही साथ अप्रेंटिस जॉब के भी अपडेट्स दिए जाते हैं, सीआईटीएस के अपडेट दिए जाते हैं और जेईई वगैरह का भी अपडेट मिल जाता है। तो उम्मीद करते हैं आप आज का वीडियो पसंद आया होगा। ये जो हमारे पास जो टूल्स था इसमें जो नाम लिया हूं इस पर नहीं जाइएगा, क्योंकि मैं एट रैंडम ऐसे ही, क्योंकि ये नाम ठीक ठाक ब्रांड से है, ठीक है, हालांकि चाइनीज ही है बट चलता ठीक ठाक है, चीप एंड बेस्ट ही कह सकते हैं, तो इसको आप प्रेफर कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप ये लीजिए, आपको सस्ता में जो मिले वो ले लीजिए, मैं बस यही कहूंगा। आपको अगर सस्ता इसे सस्ता मिल रहा है तो आप ले लीजिए, ऐसा नहीं कि यही लीजिए, ऐसा कुछ मैं आपको यहाँ पे कोई प्रमोशन भी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए आपसे मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, अगले किसी इन्फॉर्मेशन में, अगले किसी अपडेट्स में। तब तक लिए बने रहिए हमारे साथ, और आप लोगों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत